कतर में कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाए नेवी के 8 पूर्व कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सजा कम कर दी गई है। भारत ने पाकिस्तान से मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद का प्रत्यार्पण करने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भारत सरकार ने कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 702 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के चलते साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय कांत समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहली बार ईडी ने अपनी चार्जशीट में प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी मेंशन किया है। यह पूरा मामला हरियाणा में जमीन खरीद से जुड़ा हुआ है। हालांकि उनका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं किया गया है। सांसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाज़त मांगी है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी ने आगामी गणतंत्र दिवस परेड की झांकी से दिल्ली और पंजाब को बाहर करने के केंद्र के फैसले की आलोचना की है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षदों ने सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की सप्लाई को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में गुरुवार को कोहरे के कारण ट्रेनें और फ्लाइट दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हुई। सुबह जहां 130 फ्लाइट के संचालन पर इसका असर पड़ा, वहीं 20 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट रही। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, युवाओं पर आक्रमण किया जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। हम केंद्र की सत्ता में आने के बाद जाति आधारित जनगणना कराएंगे।